विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि वर्ष 2023 में सावन का पावन महीना, जी हां, श्रावण मास क्यों खास होने वाला है। देखिए, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि श्रावण का जो महीना है भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना का होता है। वर्ष 2023 में श्रावण मास 4 जुलाई 2023 से शुरू होगा, यानी आज ही के दिन से शुरू हो रहा है और ये 31 अगस्त तक रहने वाला है। इस संपूर्ण श्रावण मास में आपको जानकारी दे दूं कि 8 सोमवार होंगे। इस बार श्रावण मास लगभग 2 महीने का रहेगा तो आपको होगा डबल फायदा। इस बार अधिक मास होने के कारण श्रावण मास 2 महीने का तो होगा ही, लेकिन ये जो अधिक मास होगा ये 18 जुलाई से प्रारंभ होगा और 16 अगस्त तक ये रहने वाला है, यानी कि 16 अगस्त को ये खत्म हो जाएगा। इस महीने में विशेष तौर पर दान करने का बहुत बड़ा महत्व तो बताया गया है। 19 साल बाद श्रावण मास में ये दुर्लभ महासंयोग बना है कि इस तरीके के योग संयोग हो, मूल नक्षत्र हो, ब्रह्म योग हो और सूर्य मिथुन राशि में हो। तो भाई ये योग संयोग जो बना है ये आपको अद्भुत लाभ पहुंचा सकता है। अब आपको बताते हैं कि श्रावण मास में कैसे करनी है भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना। संपूर्ण श्रावण मास भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, आप भली भांति जानते हैं, जिससे हमें अच्छी सेहत मिलती है, यानी कि हम निरोगी हो जाते हैं। सुख समृद्धि का महावरदान देवी पार्वती हमें दे देती हैं। विशेष तौर पर देवी पार्वती की उपासना से और भगवान शिव की उपासना से उन कन्याओं की समस्या हल होती है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पाया तो आपके पास है 8 सोमवार, आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और मात्र एक बेलपत्र उसमें डाल दीजिए। बेलपत्र में तीनों पत्ते साबुत होने चाहिए, अखंडित होने चाहिए। नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। अब संभव हो तो अपने घर से नंगे पैर निकल जाइए। अब यह जल शिवलिंग पर एक धारा के साथ अर्पित करिए और मन ही मन नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। यह छोटा सा उपाय मित्रों आपकी सेहत को भी अच्छा करेगा, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेगा और विशेष तौर पर जो परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बीमार है तो वह स्वस्थ हो जाएगा।